लेकिन मित्रों, दिल्ली की और जयपुर की सरकार, मोदी और वसुंधरा की सरकार एक एक करके उन अधिकारों को, उन योजनाओं को खत्म करने या कमजोर करने का काम कर रही है जो योजनाएं इस देश के गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, इस देश के मेहनत कश लोगों के लिए जो योजनाएं हैं वो कमजोर है। दूसरी तरफ इस देश के अंदर नोटबंदी और जीएसटी से इस देश की अर्थव्यवस्था को 10 साल 20 साल पीछे ले जाने का काम किया। आज अगर इस देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है उसका कारण है इस देश का गिर रहा है लगातार एक्सपोर्ट इंपोर्ट खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन। जब तक ये नहीं बढ़ेगा नौजवानों तुमको रोजगार नहीं मिल सकता। आज पेट्रोल की कीमत कहां जा रही है, डीजल की कीमत कहां जा रही है और मोदी सरकार हमारे समय में सिलेंडर 400 का मिलता था, पेट्रोल 120 डॉलर खरीद के 50 और 60 रुपए में हम देते थे। तब वो थी सैया तो बहुत कमाए है, महंगाई टाइम खाए। और आज 780 रुपए का सिलेंडर है, 84, 85, 86 का पेट्रोल है, डीजल का इसी तरह 70-74 भाव है। तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आज यहाँ से संकल्प लेकर जाइए। इन्होंने कहा कि वसुंधरा में बटन दबाया लेकिन पानी नहीं आया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ पानी आएगा तब, जब अगले चुनाव में आप पंजे पर बटन दबाएंगे तब ये मीठा पानी पूरे इलाके को मिलने का काम करेगा। और अंत में हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आपने रूपा राम जी को प्यार दिया होगा, स्नेह दिया होगा, लेकिन उनके बेटे चेतन को और ज्यादा आशीर्वाद देने का, प्यार करने का, उसको सही रास्ते पर आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप पर है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम नमस्कार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। किंचित भी ज्ञान का गुमान का रहते नहीं, किनको समझौता किया नहीं स्वाभिमान से, श्रमिकों के सम बिंदु शीश धाम लेखने में, दर्द पीना सीखते हैं गांव के किसान से, उस किसान और जवान की आशा और उम्मीद के रूप में संपूर्ण राजस्थान के एक नए किरण के रूप में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री सचिन पायलट साहब नेताजी। आज इस कार्यक्रम में रूपाराम मोदी जी की मूर्ति का अनावरण हुआ। मैं आप सभी लोगों को जो इस सभा में आज मौजूद हैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं रूड़ी साहब के परिवार को जिन्होंने आज हम सभी लोगों को आमंत्रित किया। मंच पर हमारे AICC के महासचिव सम्मान्य मोहन प्रकाश जी बैठे, सम्मान्य मास्टर बाबालाल जी, पूर्व मंत्री कारण चौधरी साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिले के अध्यक्ष जाकिर हुसैन साहब, सीकर से विधायक जिले से गोविंद डोगासरा साहब, मेरे अजमेर से पूर्व विधायक रहे नाथराम सिंधोदिया जी, पूर्व सांसद बबी राम जाखड़ साहब, मंजू मेघवाल जी, नसीम जी, महेंद्र चौधरी जी, महेश शर्मा जी, जयदीप रूडी साहब, बदाराम जी, केवराम सोलंकी जी, बालेंद्र जी, अभिमन्यु जसवंत जी, राकेश भोटिया जी, मुकेश भाकर साहब, सुमित भागासरा जी, रवि, सभी लोग जो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आज का दिन इस गांव के लिए, डीडवाना के लिए, नागौर के लिए, किसान वर्ग के लिए, आप सब लोगों के लिए एक यादगार दिन है। इतनी भारी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर आए, इस कार्यक्रम में शिरकत करी, आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सब लोगों को
आह्वान करना चाहता हूँ आज अरे छोटू रूपराम जी के बारे में मंच पर सभी लोगों ने अपनी बात रखी उसको बोलना एक बोलना उनकी जीवनी के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं दोबारा उस पर प्रकाश डाला गया अरे मिस्टर थोड़ा साइड में इधर कौन व्यक्ति कितने समय के लिए सत्ता में रहे सांसद रहे सरपंच रहे मंत्री मुख्यमंत्री रहे अरे ये ज्यादा नहीं आ रहा है समझ में नहीं आ रही क्या लेकिन जिन लोगों की नुमाइंदगी आप करते हो अरे वहाँ जिन लोगों का नेतृत्व आप करते हो सुन उन लोगों के साथ आपके संबंध कैसे इधरा वो यार क्या मंच की व्यवस्था बना रहे हैं बहुत रहे राजस्थान में और भी बनेंगे लोग जो अपनों के लिए हर संभव सहायता करने को तैयार रहे अच्छे समय में सब आ जाते हैं लेकिन बुरे समय में जो अपनों का दामन ना छोड़े उस नेतृत्व को उस नेता को लोग सदियों तक याद करते हैं और आज इस मूर्ति के लगने से आने वाली कई पीढ़ियां रूपाराम जी के व्यक्तित्व को याद रखेंगी चेतन जी ने इनके परिवार ने सभी कांग्रेसियों ने मिलकर आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी माताओं बहनों का किसान भाइयों का जो दूर दराज के इलाके से आज इतनी भीषण गर्मी कि फिर भी आप आज यहाँ पधारे हम लोगों को सामूहिक रूप से ये समझना और सोचना पड़ेगा कि किस रास्ते पर हम चल रहे हैं किसानों का कल्याण करने वाले लोग कृषि और किसान के पक्ष में नीतियां बनाने वाले लोग किसान की समस्या को समझने वाले लोग इस देश में किसानों की आवाज को बुलंद करने वाले दल किसानों के हक के लिए किसी भी हद तक चले जाने वाले नेता हमें क्या उनको पसंद करना है या ऐसे लोगों को ऐसी सोच को ऐसे दलों को ऐसे नेतृत्व को हमको पसंद करना है जो किसानों को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे मेरा दिल भारी है मैं दुख के साथ कहता हूं आज कि राजस्थान के अंदर और देश के अंदर ऐसे लोगों को सत्ता दी है जिन्होंने सबसे पहले किसानों को झूठे वादे किए किसी ने नहीं कहा था भाजपा के लोगों को कि किसान की आमदनी दुगनी करने का वादा करो लेकिन वादा किया था आज किसान की आमदनी दुगनी हो रही है आज डीजल का पेट्रोल का दाम 80-85 है बहुत जल्द 100 तक पहुंच जाएगा लेकिन भाजपा के नेताओं के सर पर जू नहीं रह गई आज मंडी के बाहर 3-4 दिन तक किसान अपना अनाज लेकर पड़ा रहता है मैं परसों के दिन झालावाड़ में था और लहसुन की खेती करने वाला एक किसान उसने आत्महत्या कर ली हाड़ौती क्षेत्र में छठा किसान था 2 महीने में जिसने फांसी ले ली और जहर खा लिया ऐसे लोग जो अपनी नाक के नीचे किसान को आत्महत्या करते हुए देखते रहते हैं उनकी मदद सहायता सहयोग करना भूल जाओ उनके घर वालों के आंसू पोंछने के लिए आधे घंटे का समय मुख्यमंत्री के पास नहीं है इन मंत्रियों को झूठ बोलने से फुर्सत नहीं है मुझे शर्म आती है आज भाजपा के नेता ने बोला ये जो किसान है ये सिर्फ मुआवजा लेने के लिए अपनी जान ले रहे हैं आत्महत्या कर रहे हैं ऐसे लोगों को जिनको सत्ता हम लोगों ने दी है चुनाव में हारती जनता कराती है लेकिन सत्ता में बैठने के बाद जिस घमंड से यहां पर शासन चला है जिस गुरूर से यहां पर काम हुआ है इतिहास गवाह है मुख्यमंत्री जी बड़ी सौभाग्यशाली है बहुत कम लोगों को मौका मिलता है प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का 2 बार मुख्यमंत्री बनने का लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने क्या किया जयपुर में बैठकर ये देखा कि किस महल का ताला बंद करूं किस महल का ताला खोलूं प्रदेश में काला कानून थोपने का काम आपने किया जब किसान और कांग्रेस सड़कों पर आए कर्जा माफी की बात करी हमने कुछ गलत नहीं कहा अगर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वहां पर कर्जा माफ हो सकता है तो राजस्थान के किसानों ने क्या पाप किया हमने कहा कर्जा माफ करो हम आपका समर्थन करेंगे हम विपक्ष में हैं हम विरोध आपका करते हैं लेकिन किसानों के लिए आप कुछ करोगी तो मैं खड़ा होकर आपका समर्थन देने को तैयार हूं जब
अजमेर और अलवर की जनता ने भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया। दूर दूर तक बीजेपी देखने को नहीं मिली और दिल्ली से प्रधानमंत्री जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डंडा जोर से मारा, तब अपने आखिरी बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने कहा, हां मैं किसान का 50,000 रुपए का ऋण माफ करने की घोषणा करती हूं। 50,000 रुपए की अच्छी भेज नहीं आती आज, लेकिन 50,000 रुपए का कर्जा माफ करने की घोषणा करी, और वो भी सिर्फ जो कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया है। 85% जो लोन लेते हैं लोग किसान, वो सरकारी बैंकों से लेते हैं। और आज मैंने अखबार में पढ़ा 2 दिन पहले कि मुख्यमंत्री ने घोषणा तो कर दी लेकिन पैसा नहीं। 8,000 करोड़ रुपया चाहिए था घोषणा करने के बाद, आज तक किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। अब चुनाव में 4-5 महीने रह गए, अब फोटो खिंचवाने के लिए 10-20 किसानों को मंच पर बुलाकर वो चेक पकड़ाने का काम करेंगे, लेकिन किसान की जो मूलभूत समस्या है पानी की, VCR भर भर कर किसान की कमर तोड़ने का काम किया है। डीजल के दाम, बीज के दाम, खाद के दाम, पानी मिलता नहीं है, किसान की और आम आदमी की जेब पर डाका डालने का जो काम किया है उसका निर्वाण आप नहीं कर रहे। राजस्थान में बिना पैसा दिया किसी विभाग में काम नहीं हो रहा, और जो मन से आज बोला गया भ्रष्ट पंक्तियों के बारे में, ये कोई अतिशोक्ति नहीं है, यह आने वाला समय बताएगा। और जो अफसर अधिकारी आज राजस्थान में बैठे हैं वो भी कान खोल के सुन लें, भ्रष्ट मंत्रियों की मदद करोगे, कानून के दायरे में बाहर रहकर काम करोगे, भ्रष्टाचार को अगर पनपने दोगे तो 6 महीने के बाद जब सरकार कांग्रेस की बनेगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, कोई पकड़ा जाएगा तो बाद में मत बोलना। ये राज बनते हैं 5 साल के लिए, ये गलत फहमी किसी नेता को नहीं पालनी चाहिए कि झूठे वादे कर 15 लाख खाते में जमा होंगे हर एक इंसान के, ऐसा बोला था, 15 लाख नौकरियां मिलेंगी ऐसा बोला था, पूरे राजस्थान में चमन हो जाएगा ऐसा बोला था, झूठे वादे कर जुमले देकर लोगों का वोट आपने बटोर लिया, हिंदू मुसलमान के झगड़े।